तो सर आप बताइए क्या लाई हैं आज? मैं लाई हूँ गिफ्ट रैपिंग। मैंने एक वीडियो देखी थी जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि गिफ्ट रैपिंग का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप अगर अपने मियाँ को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, आप खुद ही अपने आप को रैप कर लें रैपिंग पेपर में और उसे गिफ्ट कर दें। वेरी गुड, बेहतरीन। ऐसी एक वीडियो वायरल भी हुई है, लेकिन वो बैचलर्स पार्टी की है। तो मैं रैपिंग के हवाले से वीडियो लेके आई हूँ हैक्स एंड क्रैक्स की। जितने भी हैक्स अभी तक ट्राई किए हैं वो नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करने के लिए तैयार हूँ कि किया जाए, क्योंकि कोशिश करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। गिफ्ट रैपिंग एक आर्ट है और मुझे लगता है आप जितना सीखो उतना आप पीछे रह जाओगे तब भी। और मुझे लगता है हम वो आर्टिस्ट नहीं है जो कि गिफ्ट रैप करने का आर्ट। लेकिन हम आपको सिखा के रहेंगे कि और कितने तरीके जैसे आप गिफ्ट रैपिंग कर सकते हैं, बल्कि हम खुद सीखेंगे। यस, फिर आपको सिखाएंगे। जब आप हमें नाकाम होते हुए देखेंगे तो आप शायद ये सोचेंगे अरे यार इनसे नहीं हुआ, मैं करके दिखाता हूं, मैं करके दिखाती हूं। खुश हो जाएंगे आप लोग, आए देखते हैं। ओके जी, तो ये रैपिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। हम देख रहे हैं बेहतरीन सी चॉकलेट जो है वो रैप होने जा रही है इसके ऊपर। इसे चिपकाने के लिए गोंद का सहारा लिया जा रहा है। बचपन में भी ग्लू सही नहीं चलती थी। ग्लू बचपन, अच्छा वो एक वाटर बेस्ड ग्लू आती थी पता है, इसको गोंद कहते थे हम। उससे हराम है जो कोई चीज चिपकी हो कभी जिंदगी में, सिवाय कॉपी कवर के। कोई नहीं, कोई थोड़ा बहुत फट जाता है, अंदर छुपा देंगे हम। ये देखिए ये किया मैंने, अब ऐसे बहुत आसान है इसको करना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बट मुझे लगता है थोड़ा बड़ा कर। बेहतरीन, हाँ मतलब फोन के साइज का कर ले, फोन गिफ्ट कर रही है ना आपका। हाँ श्योर, हाँ कर दें, कोई मसला नहीं, वापस करेंगे आपके हस्बैंड। वो यार कोई इससे तो अच्छा मैं नोकिया 3310 में था। हाँ होगा, ये ऐसे क्या इसे हम कट कर सकते हैं वैसे अगर ये ज्यादा बड़ा हो रहा है तो। बड़ा नहीं हो रहा, ऐसे ही रहेगा। ओके ये आपने, ये इसकी बेस बनेगी। ओ बेस, बेबी को बेस पसंद है। बेस बन गई, ओ पिरामिड बन गया है। इससे पता चलता है हम बिल्कुल सफाई से कोई काम नहीं कर सकते। पिरामिड बन चुका है ये। कोई नहीं, ये चिपकाएंगे कैसे? 4500 साल पहले जो पिरामिड बना था वो इससे ज्यादा साफ था ना। ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। और ये बड़ा हो गया थोड़ा सा, तो आप इसको फोल्ड करके रखे और ग्लू ग्लू का सहारा लें। ग्लू ये ऐसे ही होगा मुझे लगता है। हाँ मैं अभी भी आपको कट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ क्योंकि ये ग्लू जो है मुझे लगता नहीं कि इतना बर्दाश्त कर पाए, लेकिन फिर भी ट्राई करें, अगर हो जाता है ठीक है वरना फिर कट कर देंगे। 4500 साल पहले जो पिरामिड बने थे वो इससे ज़्यादा सफाई से बने थे। गुड, एटलीस्ट बन तो गया, मुझसे तो बनता भी नहीं। वेरी गुड, इसे हमें बैग के फॉर्म में लाना है। ये थैली बन चुका है, बैग भी बन जाएगा। ये बैग है ना ऑलमोस्ट। ओके अच्छा, ये यहाँ से फोल्ड होगा। पेपर बैग जो गिफ्ट बैग देते, अच्छा जी जो आप लोग पेपर बैग खरीदते हैं ना गिफ्ट पैक करके उसमें रख के देने के लिए, ये वो माहौल जो है वो जरा बन रहा है यहाँ पर। आपको फिर वो परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर यही हो जाएगा। इतना बुरा बनाएंगे आप घर पे परचेज करने के लिए। खैर डन हो गया। अच्छा मेरे हिसाब से तो इट्स अ गुड बैग। इसमें देखें चॉकलेट कैरी कर पाएगा ये? हाँ, या बिल्कुल करेगा। काफी हद तक हो गया है एक्चुअली भाई। वो बात यह है सर कि हमारे पास टाइम भी थोड़ा सा कम होता है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको परफेक्शन तक ले जाएं। ये देखें ये थोड़ा सा नजर भी आ रहा है, बस हमने ब्रांड छुपा दिया चॉकलेट का, लेकिन दुनिया को पता है। अब ये हम नहीं, नहीं ये 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 बाकी है। हाँ, ये बाकी वो पहले चिपकेगा नहीं ना, उसको फोल्ड करना पड़ेगा। आई मीन थोड़ा सा फोल्ड करना जरूरी है, वो इतने ऊपर अगर बटरफ्लाई लगा दी। चलिए मैं इसको ऐसे कर लेती हूं भाई, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं ना गिफ्ट रैपिंग। ये देखिए बेहतरीन जबरदस्त, ये चिपक गया है और इसके बाद ये इतना चिपकू हो जाएगा कि इसके ऊपर कैसे करना है इसको? ये ऐसे ना। हाँ यस, एक ही तितली बिठानी है आपने इस पे। अभी देखते हैं ये, फिर अब अपने अपने चिड़ियाघर के हिसाब से तितलियां डिसाइड कर सकते हैं। एक बिठाएं, दो बिठाएं, जितनी तितलियां आपकी जिंदगी में इसके ऊपर आप बिठा सकते हैं। एक में तितली बीच में बिठाना चाहती हूं मैं। ये लीजिए, ये आ गया। नाइस, ये जो जब कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसे कवर भी कर सकते हैं। और भरपूर कवरिंग हो गई है, बेहतरीन। ये दिखाई गई, एक मैंने वो रैपिंग करवाते हुए ना एक चीज़ मैंने देखी थी, शायद वो हो जाए। ये इस पर कर्ल्स आ जाते हैं जब वो पैक कर रहे हैं। हाँ, होता है। मी ट्राई दिस, हो जाएगा।
ओह यस सी मास्टर ऑफ डिजास्टर करें ना, अब करें ये हो गया है, ये आप फ्रंट पे करके ओके ये देखें ये आ गया, बेहतरीन, क्या बात है, वाह वाह वाह, द मास्टर ऑफ डिजास्टर, हमने कर दिया ये हमने पैक कर दिया, और जहां हमारे पेपर फट गया तो हमने तितली भी बिठा दी जिसे पता भी नहीं चल रहा किसी को, जब वो इसे अनरैप करेंगे जिनके पास ये चॉकलेट जाएगी तो उन्हें पता चलेगा कि ओह ये तो मुझसे ही फट गया, आई एम सॉरी, गुड, वेरी गुड, फाइनली वी आर डन, आपकी हुई ये, इसको हम वॉल ऑफ फेम पे रख देते हैं, जो हमने नया वॉल ऑफ फेम अपना बनाया है वहां रख देते हैं, ये हमारी सारी चीजें यहाँ पर हम जमा करेंगे ताकि हमें याद रहे कि हमने क्या क्या बनाया है, पिघल जाएगी यहाँ पे चॉकलेट, वो मुझे पहले स्टूडियो से पीसीआर से कॉल आ रही है, चॉकलेट हम निकाल लेंगे इसमें से, ठीक है चॉकलेट आप निकाल के खा लीजिएगा, चलें ये जो 100 रुपए वाला इन्होंने कार्ड लोड करने वाली ट्रेन दिखाई है ना, ये बड़े अरसे बाद मैंने देखा है, ये सिक्का ईद पे करते हुए, ईद कार्ड्स होते थे, ये बनाना आता है आपको ये इस तरीके से स्क्रैच वाला, नहीं स्क्रैच वाला नहीं आता, लेकिन वो आता था आप चार्ट पेपर को ब्लैक पेंट कर दो अंदर कलर्स करके और फिर उसे यूं 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 करोगे तो कलरफुल डिजाइंस बनेंगे, हां एग्जैक्टली ये होता था, बहुत ज्यादा होता था, और एक इनविजिबल इंक भी होती थी जो आयरन से इस्त्री जब आप उसके ऊपर फेरते थे तो लिखा हुआ आ जाता था कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, तुम्हारे अब्बू देखे इससे पहले इसे जला दो, तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी, खैर अब मेरे ख्याल में किसी मूवी के अंदर इसको दिखाया भी गया है, बर्लिन में या पता नहीं किसी और मूवी में दिखाया है, अभी नेटफ्लिक्स पे मैं देख रहा था, अभी स्टार्ट किए मैंने, मुझे इतना आईडिया नहीं है, ओके चलो स्टार्टिंग पे एंड कीजिए, मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहूंगा, बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।